News 18, India. बड़ी खबर आई उत्तराखंड से। वहां विधानसभा में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पास हो गया। एक रोज पहले ही विधानसभा में बिल को पेश किया गया था और दो दिन चली चर्चा के बाद उसे पास कर दिया गया। बिल पास होने के बाद अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की मोहर लगते ही यह बिल कानून बन जाएगा। 2022 में सरकार बनने के बाद ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे लेकर कमेटी बना दी थी। इस कमेटी ने 2.5 लाख से ज्यादा सुझावों के बाद यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसे कानून बनाने के लिए राज्य सरकार ने विधानसभा में पेश किया, जो ध्वनि मत से पास हो गया। और ऐसा होते ही वहां जश्न शुरू हो गया। बीजेपी के विधायकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। सदन के अंदर ही विधायकों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फूल देकर और मिठाई खिलाकर बधाई दी। क्योंकि समान नागरिक संहिता बिल यानी यूसीसी पारित करने वाला उत्तराखंड गोवा के बाद देश का पहला राज्य बन गया। विधानसभा में पेश किया गया समान नागरिकता संहिता बिल ध्वनिमत से पास हुआ और ऐसा होते ही उत्तराखंड का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः विधेयक पारित हुआ। सदन में बिल पास होते ही बीजेपी विधायकों ने डेस्क थपथपाकर और तालियां बजाकर इसका स्वागत किया। इस दौरान कुछ विधायकों ने वंदे मातरम के नारे भी लगाए। समान नागरिक संहिता बिल पास होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बीजेपी के कुछ विधायक सदन के अंदर ही मिठाई खिलाते नजर आए। नारेबाजी के बीच पुष्कर सिंह धामी भी हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन करते दिखे। विधानसभा से पास होने के बाद इस बिल को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। उनकी मोहर लगते ही ये कानून बन जाएगा। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के दौरान वादा किया था कि सरकार बनने पर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल लाएगी। और विधानसभा में बिल पास होते ही उत्तराखंड के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों में जश्न शुरू हो गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल का समर्थन कर रहे लोग सड़क पर उतर आए। बिल पास होने की खुशी में लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी और जमकर आतिशबाजी की। विधानसभा में ध्वनि मत से यूनिफॉर्म सिविल कोड के पास होने की सूचना जैसे ही बागेश्वर पहुंची, वहां लोग सड़क पर इकट्ठा हो गए और पटाखे जलाए। पटाखों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। आतिशबाजी के बाद लोगों ने बीजेपी के समर्थन में नारेबाजी की। देहरादून में भी विधानसभा के गेट के बाहर बड़ी संख्या में महिलाएं इकट्ठा हो गईं। सभी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल के लिए मुख्यमंत्री धामी को धन्यवाद दिया। समान नागरिक संहिता बिल पास कराने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में बीजेपी ऑफिस पहुंचे। वहां भी उनको फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि संविधान निर्माताओं ने जो सपना देखा था वो अब हकीकत बनने जा रहा है। कि ये कानून हम किसी के खिलाफ नहीं लाए हैं, ये कानून किसी के विरुद्ध नहीं है। हालांकि उत्तराखंड ही नहीं, देश भर में समान नागरिक संहिता बिल का कई लोगों ने अलग अलग तर्क देकर विरोध भी किया था और कई मुस्लिम संगठनों ने तो यहां तक आरोप लगा दिया था कि यह कानून मुस्लिमों के खिलाफ है। लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का दावा है कि यूसीसी किसी के विरुद्ध नहीं है। उन्होंने तो यह सुझाव भी दे दिया कि देश के दूसरे राज्यों को भी इस दिशा में कदम आगे बढ़ाने चाहिए। लेकिन इस कानून का विरोध कर रहे लोगों को इसमें कई तरह की खामियां नजर आ रही। लेकिन ये चलने वाला नहीं, नेचर के खिलाफ। क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, इस बिल को वैसे ही कचरे के डिब्बे में डाल देना चाहिए। जबकि बीजेपी का दावा है कि यूसीसी में किसी एक खास समुदाय के खिलाफ कानूनी प्रावधान नहीं है। उत्तराखंड विधानसभा में पास यूनिफॉर्म सिविल कोड में लिव इन रिलेशनशिप पर कुछ अहम प्रावधान हैं, जिनके मुताबिक बिना शादी के साथ रहने वाले जोड़ों को यानी लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को सरकार के पास रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर लिव इन रिलेशनशिप से कोई संतान पैदा होती है तो उसे माता पिता का नाम देना भी जरूरी हो जाएगा। हालांकि बीजेपी का मानना है कि वो एक देश एक संविधान के रास्ते पर बढ़ रही है, जिसकी शुरुआत उत्तराखंड से हो चुकी है। उत्तराखंड के यूसीसी में शादी के एक साल तक तलाक पर रोक, एक से ज्यादा शादियों पर रोक और संपत्ति के बंटवारे में बेटों और बेटियों को बराबर हक जैसे कई अहम प्रावधान हैं।